नमस्कार, नवतेज डिजिटल में स्वागत है। खबर राजस्थान के डिडवाना से है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सुष्मिता विश्वास डिडवाना दौरे पर रहे। इस मौके पर उन्होंने डिडवाना पुलिस थाना और वरिष्ठ अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया और डिडवाना सर्किल क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था, दर्ज प्रकरणों व परिवादों की समीक्षा की। इस दौरान एडीजी ने क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों को कानून के पालन हर हाल में सुनिश्चित करने की हिदायत दी है। वहीं उन्होंने कहा कि कानून का उल्लंघन करने और अपराध कारित करने वालों पर सख्ती से कार्यवाही की जाएगी। निरीक्षण किया, बात किया यहाँ के स्टाफ से। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा वरिष्ठ अधिकारी जो हमारे पुलिस मुख्यालय में बैठे रहते हैं, जो पूरा नीतियाँ बनाती हैं, प्राथमिकता है के बारे में सोचती हैं, तो उनका कनेक्शन राइट टिल द कांस्टेबल तक रहे। क्योंकि कांस्टेबल का कोई समस्या है, उनको अभी लेवल देखकर हम कभी कभी सोचते हैं कि उनको भी तफ्तीश दिया जाए एट्सेट्रा, तो उनका भी हमें ज़्यादा इंक्लूसिव करें पूरा पुलिस फंक्शनिंग में और उसको इम्प्रूव करें। क्योंकि जानते हैं कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज पुलिस डिपार्टमेंट में कॉन्स्टेबल्स का है, वही हमारा कटिंग एज है, तो वो हमारा मेन आर्म्स एंड लीवर्स है। तो इसीलिए उनसे रीच आउट करना वॉज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मी एट दिस लेवल। दूसरा था कि ये जो प्राथमिकता मैंने आप लोगों को बताया, ये और भी डिटेल में हमारा मीटिंग कल होने वाला है। दिस इज़ जस्ट अ वेरी प्रिलिमिनरी CLG एट डिडवाना। हमारा आपके पुलिस अधीक्षक महोदया के साथ और बाकी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कल बैठक है, गोष्ठी है, उसमें हम लोग इसमें डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे। खबर पंजाब के फिरोजपुर से है। पंजाब के जिला फिरोजपुर के गांव करिकला में एक किसान कुलवीर सिंह करीब 52 वर्षीय ने दिल्ली किसान धरने से अपने घर वापसी आकर अपने खेत में कर्जे और किसान बिलों को केंद्र सरकार द्वारा रद्द न करने से परेशान होकर फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। वहीं परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और पुलिस धारा 174 की कार्यवाही कर रही है। हादसा जी भाजी इदा ही भी एक गया 11 तरीक के धरने से, पहला भी जिन्हें धरने लगे ने यह नाल ही जाते रहे हैं, तो यह जो 11 तरीक के गए थे तो उत्थे जाके भी यही देखा नाल जोड़े है से उन्हें दसिया भी जरा मुंडा रहा भी उत्थे भी रोंदा ही भी हूँ गां किसानी का की बनूगा, भी जमीन तो अगे उन्निया कु ने, तो जे भी खुस गया तो की करांगे, बच्चे कितों पढ़ावे ज की करांगे, भी करजा तो अगे मेरे इन्ना है तो मैं हूँ की करांगा। तो ये चीज़ा उत्थे कहिंदे भी एक दो नाल कितें शेयर कीतियां, तो रोया भी कहिंदे भी उत्थे हैगा ही भी करजा बहुत, तो मोदी साहब की कर रहे ने जमीन खोई जाते हैं। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਅੱਜ ਸੁਬਹ ਦਾ ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਇਹਨੇ? ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨਾਲ ਫਾਇਆ ਲਿਆ, ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਸੇ ਤਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਖਤ। ਅਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ। ਖਬਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਸੇ ਹੈ। राजगढ़ पुलिस मुख्यालय एवं वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशानुसार प्रतिबंधित अवैध शराब की परिवहन एवं जहरीली शराब के अवैध रूप से परिवहन के विरुद्ध जिले में लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते जिला पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा के कड़े निर्देशों के तहत थाना कोतवाली की पुलिस टीम द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी कर उनके कब्जे से अवैध रूप से परिवहन की जा रही शराब सहित वाहनों को जब्त किया जाएगा। सोमवार को मुखबिर की सूचना पर एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। वाहन को चेक करने पर उसमें नीले रंग की प्लास्टिक की 60 लीटर नाप वाली 6 कैन एवं हरे रंग की प्लास्टिक की 60 लीटर नाप वाली 17 कैन पाई और प्रत्येक कैन में 60 लीटर स्प्रिट, कुल 1380 लीटर स्प्रिट, कुल कीमती 7,80,000 रुपये होना पाया गया। खबर पंजाब के गुरदासपुर से है। पाकिस्तान ने एक बार फिर नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश की है और उनके तरफ से ड्रोन के जरिए गुरदासपुर के सरहदी कस्बा दोरांगला के गांव सलांच में ग्रेनेड फेंके गए थे, जिसे दोरांगला पुलिस ने पकड़ लिया है और कल देर रात को BSF के अधिकारियों ने BOP चक्की पोस्ट पर ड्रोन की हरकतें देखी थी, जिसके बाद BSF अधिकारियों ने 18 फायर किए थे और तभी से पुलिस की तरफ से आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके चलते गांव सलाज पुलिस ने खेतों से एक पैकेट पकड़ा है जिससे 11 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। ड्रोन की एक्टिविटी होने करके
ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਚ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ 11 ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਮੋਰਨਿੰਗ BSF ਦੇ ਨਾਲ DSP ਸਾਹਿਬ SP ਸਾਹਿਬ 70 ਤੋਂ 80 ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਮਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀਕਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ 'ਤੇ ਥਾਣਾ ਤੋਂ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਮਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ 11 ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਮਿਲੇ। खबर पंजाब के गुरदासपुर से है। बीते दिन जायदाद हड़पने के मकसद से चीजा ने अपने इकलौते 15 साल के नाबालिग साले का कत्ल कर दिया था और लाश को नहर में बहा दिया था। अब बटाला पुलिस की तरफ से इस कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए मृतक की लाश को बुरी हालात में वला नहर से बरामद कर लिया और साथ ही जिस तेज धार हथियार से कत्ल किया गया। इस तरह जी, एक करन नाम का बच्चा सी 15-16 साल का, जो पिछले दिन अचानक जो लापता हो गया सी, तो पेरेंट्स ने गार्डियन ने जो कंप्लेन दी सी, जिसे आप केस रजिस्टर किया थाना सिटी के सिविल लाइन। ਸੋ ਉਹਦੀ ਗਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜੀਜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੱਲੇ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ। खबर MP के धार से है। धार जिले में विगत दिनों में MP टीवी मीडिया के प्रधान संपादक भागीरथ चौधरी ने मनरेगा योजना के कार्य में करोड़ों के भ्रष्टाचार का खुलासा किया। फर्जी खाता फ्रीज कर रुपए टकराने और सरगने चौधरी को धमकाने लगे। इस मामले में प्रकरण भी दर्ज किया गया, लेकिन जनपद पंचायत CEO शैलेंद्र शर्मा ने पंचायत कर्मियों के निलंबन की कार्यवाही करके मामले की FIR कर डाली, जबकि बैंक मैनेजर तथा धांधली करने वाले सरगनाओं की गिरेवान तक CEO साहब के हाथ अब तक नहीं पहुंचे। ज्ञापन दिया है, क्या कुछ मामला है? जैसा कि विदित है कि पिछले 3-4 दिनों से RES विभाग के कार्यों में हुई भ्रष्टाचारी को लेकर जनपद और जिला पंचायत स्तर से जांच की जा रही है, जिसमें कुछ ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार उजागर होने पर वहां के ग्राम रोजगार सहायक और जिन्होंने भी वहां फर्जी अकाउंट फ्रीज किए हैं उन पर कार्रवाई की गई है। उसी के संबंध में RES विभाग में वृहद स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर आज पत्रकार संघ तहसील सरदारपुर के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। सर, इसके अंदर पंचायत कर्मियों पर तो कार्रवाई की गई है, लेकिन खाता फ्रीज करने में जिस रैकेट की मुख्य भूमिका है उनके ऊपर अभी तक वसूली जैसी कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसमें क्या कुछ है? इस संबंध में मेरे द्वारा पहले भी जनपद के CEO और अनुभागीय अधिकारी RES को निर्देशित किया जा चुका है कि वो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध FIR दर्ज कराएं और उनसे चालानी उनसे जो भी उन्होंने पैसे का गबन किया है उसकी रिकवरी किया जाना सुनिश्चित करें। खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से है। हल्द्वानी में आज गन्ना सेंटर पर किसानों ने गन्ने की फसल को ना लेने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की। गन्ना किसानों का आरोप है कि फसलें बर्बाद हो रही है, लेकिन गन्ना सेंटर पर कोई भी फसलों को लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि शुगर फैक्ट्री अभी सुचारू रूप से चालू नहीं है, जिसके चलते गन्ने की खपत को ज़्यादा नहीं ले सकते। आए दिन 10-10 दिन से फैक्ट्री में घर पे गन्ना कटा है, लोगों का कटा है और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। फैक्ट्री हर तीसरे दिन खराब है और गन्ना हमारा ढोना गेहूँ बोना, किसान उसी पे गेहूँ बोता है, उसी पे गन्ना पैदा करता है। छोटे छोटे किसान हैं, उन्हीं में उन्होंने गेहूँ बोना है। स्थितियाँ बड़ी नाजुक हो गई है, फैक्ट्री वालों का ध्यान पता नहीं, अब मेंटेन अब कर रहे हैं, कभी ये खराब हो गया कभी वो खराब हो गया, तो हमारी सारी व्यवस्थाएँ बड़ी अब तक होगी। बने रहे देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए नवतेज डिजिटल के साथ। नमस्कार।